السلام एवरी वन सो टुडे द टॉपिक ऑफ़ आर वीडियो इज़ कल्चर शॉक या कल्चरल शॉक इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेट वट इज़ द टर्म कल्चरल शॉक मीन्स वट आर द सिम्टम्स ऑफ इट वट आर द स्टेज ऑफ इट एंड एट द एंड हाउ टू कोप विद दिस सिचुएशन सो स्टार्टिंग विद डेफिनेशन कि कल्चरल शॉक है क्या मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि जब आप किसी एक कल्चर से किसी दूसरे कल्चर में शिफ्ट होते हैं तो आपको जो चेंजेस आपके सामने आती हैं तो उससे आपके अंदर जो कन्फ्यूजन जो एनजाइटी जनरेट होती है उसको हम कहते हैं कल्चरल शॉक एग्ज़ाम्पल मैं इसके ये देने लगी थी कि जिस तरह ये उन स्टूडेंट्स को ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जो कि हॉस्टल आइड्स हैं जब आप अपने घर में होते हो यू आर एट योर कम कम्फर्ट जोन ठीक है आप अपने कम्फर्टेबल जोन में होते हो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती नो कन्फ्यूजन नो एन्जाइटी बट वेन यू शिफ्ट फ्राम यूर होम टू द होस्टल तो तब आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस आता है एंड देन यू केम टू नो देट देर इज़ समथिंग फिशी लाइक आप बहुत अन ईजी फील करते हो आपको होम सिकनेस होती है देर इज़ अ चेंज इन इन्वायरमेंट जहाँ पर आपके अंदर एक कन्फ्यूजन की एक यू कैन से एक फीलिंग जो है वो डिवेलप होती है डैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल शॉक वैसे कल्चरल शॉक एग्जाम्पल नहीं है सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज की मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इसी तरह अगर एक इंसान किसी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट होता है तो उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो उसके अंदर एनजाइटी जनरेट होती है डैट इज़ शॉक विच इज़ कल्चरल शॉक तो अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जाहिर सी बात है जब आप अपने घर से अपने कंफर्टेबल जोन से एक कल्चर में जिसमें आपने काफ़ी टाइम गुजारा है आप उधर से किसी और जगह पे शिफ्ट होते हो देन यू हैव सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेज क्योंकि आपको कुछ इमोशनल स्ट्रेसिज uh, होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको उससे इशू बनते हैं ठीक है रिमेनिंग प्री ऑक्यूपाइड यानी कि आप अपने आप को बहुत प्री ऑक्यूपाइड समझते हैं फीलिंग ओवेंट होम सिकनेस होम सिकनेस का मतलब है कि अपने घर की याद आना और फील uh, करना कि आई एम अवे फ्रॉम माई होम आई एम फार फ्राम माई होम डेवलपिंग नेगेटिव स्टीडियो टाइप्स तो दीज आर समू फील दैट यू आर इन डिफरेंट कल्चर लॉज ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी जाहिर है कि आपकी कल्चर से आपकी आइडेंटिटी बनती है जैसा कि मैंने अपनी वीडियोज में एक्सप्लेन किया है कि हाउ आइडेंटिटी एंड कल्चर आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर तो आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी उस टाइम होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ एक्सप्लेशन इज़ इन यू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एंड रिड्यूस्ड कॉम्पिडेंस एज अ कल्चरल एक्टर सो अब हम बात करेंगे स्टेज की कि कल्चरल शॉक की क्या क्या स्टेज होती हैं बेसिकली देर आर फाइव स्टेजेस दे नंबर वन इज़ हनी मून स्टेज देन जजमेंट ट्रांजिशन एक्सेप्टेंस फिफ्थ वन भी एक स्टेज है हम इसको एज अ स्टेज ही काउंट करते हैं बेसिकली होता क्या है कि इन द फर्स्ट स्टेज विच इज़ हनी मून स्टेज इसमें वो जो जब कल्चरल डिफरेंस आता है एक इंसान एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट होता है तो उसको एक इनिशियल एक खुशी होती है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक होती है उसकी हर चीज़ की तरफ खुश होता है कि वाओ आई एम इन अ न्यू कल्चर एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी होती है उसके अंदर बट आफ्टर सम टाइम वो उसमें जजमेंट का एक फैक्टर आ जाता है यानी कि उसको रियलाइज़ होता है कि मैं एक कल्चर में जहाँ मैं इतने टाइम पर रह रहा था मैं वहाँ से उठ किसी दूसरे कल्चर में हूँ जिसपे उसको रेग्रेशन होती है लाइक like जजमेंट का एक केस आता है कि वो जज करने लग जाता है कि अच्छा पहले मेरा कल्चर ये था एंड नाउ आई एम इन अ डिफरेंट एंड न्यू कल्चर नेक्स्ट होता है ट्रांजिशन अब ट्रांजिशन ना एक बिहेवियरल चेंज होता है कि आपका एक बिहेवियर क्रिएट होने लग जाता है उसी लिहाज से एक सोशल बिहेवियर क्रिएट होता है आपकी अडेप्टेसन जो है वो वहाँ पर स्टार्ट होती है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं बेशक वो लैंग्वेज चेंज है वो ट्रेडिशन चेंज है जैसा भी चेंज है फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस अब वो स्टेज है कि ठीक है आपकी इनिशियल स्टेज गुजर गई आप ज, आपने जज करना स्टार्ट कर दिया आपने अडेप्टशन की एक्सेप्टेंस में आप कम्प्लीटली उस कल्चर को अपने अंदर अडोप्ट करते हैं उनकी चीज़ों को परसीव करना स्टार्ट करते हैं अगर तो यहाँ तक एक इंसान जो कि कल्चरल शॉक को आ, फेस कर रहा था अगर वो यहाँ पर आके अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है उस कल्चर को एक्सेप्ट कर लेता है उसमें ख़ुद को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो चीज़ ओके okay हो जाती है कि अब उसको कोई इशू या मजीद चीज़ नहीं है उसको कोई होम सिकनेस नहीं है उसको कोई इशू नहीं आ रहा इमोशनल डिस्टर्बेंसेज नहीं हो रहे उसको लेकिन अगर इस स्टेज पर यानी एक्सेप्टेंस के स्टेज पर उसको नहीं होते मतलब वो ठीक नहीं होता तो उसके लिए इशू है फिर स्टेजेस रिपीट होती हैं जजमेंट की स्टेज और एक्सेप्टेंस की स्टेज जो कि फिफ्थ केस है लेकिन अगर फिर भी वो ठीक नहीं होता तो उसको होम सिकनेस होगी इमोशनल डिस्टर्बेंसेज होंगे तो ये चीज़ें हैं जो कि कल्चरल शॉक में काउंट होती हैं दीज आर द फाइव स्टेजेस ऑफ कल्चरल शॉक आप देखें सबसे पहले हम बात करें या आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देख सकते हैं कि इमोशनल स्टेट और टाइम है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो एक पॉजिटिविटी लेवल होता है आपका इमोशनल स्टेट होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है एट द स्टेज ऑफ हनीमून जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो आपकी जो आउटलुक होती, हो, होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है यू आर ईगर टू लर्न एवरी तब आप बहुत हैप्पी होते हो बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके अंदर एक अनसर्टेनिटी एक डाउट क्रिएट होने लग जाता है जैसा कि मैंने बताया हमने जो सेकेंड स्टेज पढ़ी थी उसकी कल्चरल शौक डैट इज़ जजमेंट अब आपकी इसमें जजमेंट होती है ट्रांजिशन होती है जिसमें आप रिग्रेशन uh, uh, का एक फैक्टर आ जाता है ठीक है बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आप देखते हो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस चीज़ों को लाइक अडॉप्ट करते हो हनीमून की स्टेज गुजर गई अनसर्टेनिटी आ गई अब आपने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया जब आप उस कल्चर को अपने अंदर अडॉप्ट करेंगे उसको अब्जॉर्ब करेंगे तो एट द एंड द फाइनल स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस जब आपका इमोशनल स्टेट जो है वो लेवल हो जाएगा तो ये थी हमारे पास स्टेजेस ऑफ कल्चरल शॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोपिंग विद कल्चरल शॉक कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को यानी कि ठीक कर सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है एटीट्यूडनल अडॉप्टेशन कि हम अपने एटीट्यूड में क्या चीज़ें ऐसी ला सकते हैं जिसके थ्रू हम कल्चरल शॉक को कोप कर सकें तो सबसे पहले सेंस ऑफ ह्यूमर जनरेट करना हर चीज़ को एक ओपन माइंडेडनेस से देखना उस चीज़ में कोई नैरो या कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं करनी हमने क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि हम चीज़ों नई चीज़ों को सीख सकें ना कि अपनी ही हदूद में रहते हुए उस चीज़ को भी ना सीखें जो हमारे सामने है। हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वी आर फेसिंग फेलियर्स तो हमें उससे यानी कि डीमोटिवेट नहीं होना हमने उसको एज अ स्टेप समझना है टूवर्ड्स सक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बिहेवियर में अडाप्टेशन होनी चाहिए कि अगर कोई न्यू डिफरेंस हमें कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो हम उसको पॉजिटिव आउटलुक के साथ अडॉप्ट करें एंड द एट द एंड वी मस्ट हैव टू बी टॉलरेंट एंड ऑप्टिमिस्ट यानी कि हमारी उस कल्चर को लेकर पॉजिटिव आउटलुक होनी चाहिए अब हम देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल अडॉप्टेसन कौन कौन सी होनी चाहिए ठीक है आपके कनेक्शन स्ट्रांग होने चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि आप उस इन्वायरमेंट में करें यू हैव टू एक्सरसाइज़ और उस जगह पर जो कम्यूनिटीज़ हैं जो ग्रुप्स हैं उनके साथ इन टच में रहना कनेक्शन बनाना एंड एट द एंड वी हैव इंगेजिंग इन कल्चरल एनालिसिस यानी कि हम उस जो कल्चर है उसका उसको समझें कि वो किस तरह रिले, रिलेटेबल है हमारे कल्चर के साथ क्या डिफ्रेंसिज़ है, uh, है, हैं क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ऑब्जेक्टिव रहे हम जजमेंट ना हो कि ये तो गलत है ये ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए नो no. कोई भी चीज़ सीखने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व इट इंटरप्रेट इट देन यू हैव टू एनालाइज टू मेक अ सेंस ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसिस ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कल्चरल शॉक में देखते हैं सिंपली कल्चरल शॉक एक ऐसा एक ऐसी हम क्या कह सकते हैं कन्फ्यूजन है ऐसी एनजाइटी है जो क्यों हमें नज़र आती है जब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट होते हैं उसके सिम्टम्स हमने देखे कि हमें होम सिकनेस होती है हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं हमें बहुत ज़्यादा एक लिमिट फ़ील होती है बहुत से डिफरेंसेस आ जाते हैं एंड देन हमने स्टेजेस देखे कि किस तरह फाइव स्टेजेस में एक इंसान एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट करता है और उसके क्या क्या उसको इश्यूज़ आते हैं और फिर वो उसके कोप कैसे करता है एटीट्यूड में क्या डिफरेंस लेकर आ सकता है प्रैक्टिकली वो क्या कर सकता है एंड एट द एंड वो तो किस तरह से उस सोसाइटी के साथ या उस कल्चर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेज़ वीडियो थैंक यू सो मच